सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोग को भी इस तरीका का फेस ग्लोई और ग्लॉसी मेकअप लुक चाहिए ईद में, सो वीडियो में बने रहे और मुझे सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, होप यू ऑल गुड। सो ये ईद का मेकअप जो है वो पार्ट टू है। सो पहला वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो सिंपल और सबटल लुक है और ये ड्यू मेकअप है। सो पहले मैं अपना फेस को टोनर से सेट करूँगी। ये टोनर भी बायोटिक का है तो मैं इसे स्प्रे बॉटल पर रखी हूँ। सो उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश देता है आपका फेस में। उसके बाद मैं आईब्रो बनाऊंगी। ये रेवोल्यूशन का ब्रो पोमेड है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका शेड मीडियम ब्राउन है, सो मेरे फेस पे मीडियम ब्राउन जाता है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ही शेड लेके यूज़ करिएगा। सो यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल ब्रश है, ये छोटू सा एंगल ब्रश है, आप चाहे तो बड़ा एंगल ब्रश भी यूज़ कर सकती है। सो यहाँ पे मैं शेप कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप। एंड थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर, कीप सपोर्टिंग। सो उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करने के बाद बस अपने आईब्रो को फिल करूँगी और आगे मैं इस तरीके से करूँगी सो जिससे हमारा आईब्रो नेचुरल लगे। उसके बाद ब्रश आउट कर लूँगी, देखिए अच्छे से। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्रो पैलेट है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है, इसका भी लाइट शेड मैं लेकर अपने ब्रोज़ में लगाऊँगी वही सेम एंगल ब्रश से। देखिए उसको भी जस्ट इस तरीक़े से फील करना, सो क्या आएगी बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपका आईब्रो रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कर लेना है। मेरा आईब्रो काफ़ी दिन से बढ़ चुका है तो मैं नहीं बनवा रही हूँ, बट देखिए मैं इस तरीके से शेप कर लूँगी तो पूरा आईब्रो बन जाएगा। सो ये दोनों उसमें मैंने कर लिया है। तो उसके बाद मैं ये क्रेलॉन का सुप्रा पैलेट है उससे लाइट शेड का कंसीलर लूँगी। उसके बाद ये स्टेप मेन है जिससे आपका आईब्रो परफेक्ट हो जाता है। अगर आपको अलग से एक आईब्रो ट्यूटोरियल चाहिए फॉर परफेक्ट आईब्रो तो मेरे चैनल पे एक है वीडियो, वो आप लोग ज़रूर देखना। सो इस तरीके से कंसीलर को आपको लगाना है, देखिए एकदम बारीक लाइन में, तब आपका परफेक्ट आईब्रो बनेगा, शेप एकदम परफेक्ट आएगा। सो जैसे जैसे स्टेप मैं बता रही हूँ आप लोग भी वैसे करिएगा तो आपका भी परफेक्ट आईब्रो बने, तो परफेक्ट आईब्रो बनेगा। सो ऊपर की तरफ इस तरीके से करना है, ये मेरे पास कंसीलर ब्रश है, आप लोग भी कंसीलर ब्रश से इस तरीके से करना। सो उसके बाद देखिए, हाँ ये थोड़ा सा अजीब लगेगा मगर ब्लेंड करने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, देखिएगा आप लोग। सो देखिए मैं इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, आप लोग भी सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर खरीदने की कोशिश करिएगा जिसे वाटर में डैप करके आप लोग यूज़ करिएगा। हार्ड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड अच्छा नहीं होता है। सो ये सब कुछ टिप्स है, वो आप लोग को मेकअप में याद रखना है। सो अब यहाँ पे मैं आई शेडो लगाऊँगी। सो ये एल्फ का कंसीलर है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज है और बहुत पसंद है मुझे। सो उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी इस तरीके से, देखिए आप लोग को ब्लेंड। देखिए मेरा आईब्रो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ था और कुछ शेप नहीं था, बट ऐसे स्टेप किया मैंने, ऐसे स्टेप करने के बाद देखिए आईब्रो मेरा परफेक्ट हो गया है। आप लोग भी अगर करिएगा तो आप लोग का भी परफेक्ट आईब्रो बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने अपना सेट कर लिया है कंसीलर से। सो थ्री स्टेप है क्रीज लाइन, तो फर्स्ट मैं क्रीज में यहाँ पे लाइट शेड का आई शेडो यूज़ करूँगी। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, आप लोग भी एक बड़ा और एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश अपने पास खरीद कर रखिएगा। सो उससे आपको मैं बताऊँगी कैसे करना है। और मेन चीज़ है हमारा आई शेडो में ब्लेंडिंग, ये इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप लोग भी इस तरीके से ब्लेंड करेगा तो आपका भी परफेक्ट आई शेडो होगा। ब्लेंड बहुत मेन है। और ये देखिए ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, अब मैंने लाइट शेड का आई शेडो लिया, उसके बाद एक ब्राउन कलर का आई शेडो क्रीज के थोड़े नीचे लेकर इसे भी ब्लेंड करना है अच्छे से।
देखिए आप लोग भी इस तरीके से ब्लेंड करते रहिएगा। सो मैं यहाँ पे सॉफ्ट सा स्मोकी आई करूँगी, सो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। देखिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ये बहुत इजी है, आप लोग भी इस तरीके से स्टेप करिएगा तो आपका भी परफेक्ट होगा। बहुत कोई स्मोकी आई नहीं करने मांगते हैं, उनको आता नहीं है, बहुत हार्ड लगता है, बट मैं हूँ ना, मैं आप लोग को इजी स्टेप बताऊँगी, सो आप लोग भी परफेक्ट स्मोकी आई कर सकिएगा। सो मेरा एक और वीडियो है ईद मेकअप का, तो मैंने उसमें सबटल लुक दिया है, वो अगर आप लोग को चाहिए तो वो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर का आई शेडो ली हूँ, ये फ्लैट ब्रश है, उससे इस तरीके से पहले आई शेडो को लगाऊँगी। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश था उससे ब्लेंड करूँगी अच्छे से कि सब कलर एक साथ मिक्स हो जाए, ये नहीं लगे कि सब कुछ अलग अलग, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं, आप लोग भी इस तरीके से ब्लेंड करना। एक बार आई शेडो ब्लैक लगाने के बाद सेकेंड टाइम फिर हम लोग को अप्लाई करना है ब्लैक आई शेडो। देखिए अब की बार थोड़ा ऊपर की तरह ऊपर तरह लगाया है, तो इसी तरीके से लगाना आप लोग भी। उसके बाद देखिए इस तरीके से इसे ब्लेंड करते रहना, अच्छे से ब्लेंड करना। बस ये लुक इजी है, बट आपका ये सब ब्लेंडिंग का खेला है, जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना अच्छा आपका ये स्मोकी आई होगा। सो अच्छे से ब्लेंड करते रहिए, देखिए आपको दिखता होगा तीन कलर अपने आप में मिक्स हो गए हैं, कोई कलर अलग नहीं लग रहा है। सो इस आई में भी मैंने कर लिया है। उसके बाद देखिए अच्छे से फिर वही डार्क ब्राउन कलर का अच्छे से ब्लेंड करना है यहाँ पे। देखिए ब्लेंड 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 बहुत ज़रूरी है हमारा आई शेडो में, ये लुक में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक दूंगी। सो मैं यहाँ पे लूज़ ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे अभी ग्लिटर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और ग्लिटर बहुत अच्छा लगता है, ये मिस क्लेयर का लूज़ ग्लिटर है, इसको इस तरीके से डैप डैप करके लगाना है। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा लुक दिया है, बहुत ही प्यारा लुक होता है, आप लोग भी इस तरीके से क्रिएट कर लिएगा। सो यहाँ पे मस्करा लगाकर अपना आई लैश को थोड़ा कर्ल कर लूँगी, ये हाँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्करा है, बहुत अच्छा है ये, तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जैसे जैसे स्टेप बताई हूँ वैसे करना। सो यहाँ पर मस्करा लगा लिया है, उसके बाद मैं लैशेस लगा लूँगी ऑफ कैमरा में। सो यहाँ लैशेस लगाने के बाद यहाँ पे जितना भी मैसी हुआ है, थोड़ा सा फेस में आपका मैसी होगा, सो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग आपका मेकअप रिमूवर से इसे पोंछ लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सो आपका जितना भी ये है क्लियर और क्लीन लुक लगेगा। सो अच्छे से उसको जितना भी हमारा मेकअप जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया है उसे हम लोग रिमूव कर लेंगे और साइड में इस तरीके से करेंगे तो आपका नेचुरल शेप आ जाएगा। सो देखिए आप लोग भी इस तरीके से करना। सो हमारा आई मेकअप हो गया है, आप लोग देखिए बहुत प्यारा लुक है। अब हमारा फेस में बारी है। सो यहाँ पे मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, ये भी मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसके अलावा अब कोई भी मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं है, मेरा फेस ऑयली है और कभी कभी ड्राई भी हो जाता है, तो ये ऑल स्किन के लिए है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ग्लॉसी लुक भी देता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे एक स्विस ब्यूटी का फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ फॉर ग्लो, थोड़ा सा ग्लो ड्यूई लुक चाहिए, सो उसके लिए यहाँ पे फेस ऑयल यूज़ कर रहे हो। देखिए अभी से फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लग रहा है। सो ये सब स्टेप आप लोग मस्ट करिएगा, क्योंकि ये सब स्टेप मस्ट है फाउंडेशन से पहले, फाउंडेशन से पहले जो स्टेप होता है वही आपका फेस को अच्छा ग्लो करता है। और फर्स्ट टिप और सेकंड टिप ये है कि आपको स्किन केयर अपना बहुत अच्छा रखना होगा, अगर आपका स्किन केयर अच्छा होगा तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा। सो यहाँ पे मैंने एक सनस्क्रीन यूज़ किया न्यूट्रोजीना का, सो जो जितना भी प्रोडक्ट मैं लगाऊँगी तो मेरा फेस को वो ख़राब नहीं करेगा, इसीलिए मैं आप लोग सबको बोलूँगी एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, आपका स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। सो उसके बाद यहाँ पे मैं एक ल्यूमिनेटर लगा रही हूँ, ये दुबई का ल्यूमिनेटर था, सो इसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग कोई भी ल्यूमिनेटर यूज़ कर सकती है। सो यहाँ पे देखिए
फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है और हाइड्रेट लग रहा है। सो आप लोग भी ऐसे स्टेप करते रहना। सो उसके बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलेक्टर से वही क्रेलॉन का सुप्रा पायर से अपना डार्क सर्कल जहाँ जहाँ मेरा डार्क्स है वहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लूँगी। आप लोग भी इस तरीके से करना। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो देखिए मेरे यहाँ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास पिगमेंटेशन है और कुछ दाग है, तो मैं इसी से कवर कर लूँगी। सो उसको हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करना है। बहुत ज़्यादा भी ब्लेंडिंग नहीं करना है जिससे हमारा पूरा प्रोडक्ट ही ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। सो मैं यहाँ पे प्राइमर करना भूल गई थी। सो मैं यहाँ पे प्राइमर कर रही हूँ। सो देखिए मेरा फेस। अब उसके बाद ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है एस्टी लाउंडर। ये मैं लाइक समथिंग एक साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी फाउंडेशन है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसी तरीके से डैप डैप करके हमारा सब प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग को ब्लेंड करना है। देखिए देखिए ब्लेंड आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। सो जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग वैसे ही ब्लेंड करना। सो देखिए मेरा काफ़ी अच्छा कवरेज है, सब दाग धब्बे छुप गए हैं। सो यहाँ पे मैं कंसीलर करूँगी अपने हाईलाइट पॉइंट्स में। वही इल्फ का कंसीलर है, ये भी हाई कवरेज कंसीलर है। सो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे हाई पॉइंट्स है इस तरीके से हम लोग को लगा लेना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करना है। देखिए काफ़ी अच्छा हमारा ये हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट करता है। सो ये नोटिस करना, ये साइड में हम लोग को इस तरीके से ही ब्लेंड करना है जो हमारा आई शेडो भी शेप में लगे और आपका फेस भी लिफ्टेड लगे। देखिए इस तरीके से ब्लेंड करना है। सो मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे से करते रहना। सो आप लोग का भी एक परफेक्ट लुक क्रिएट हो जाएगा। और मेरा अगर चैनल और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरा बाकी जितना वीडियो आप लोग को मिलेगा सो आप लोग के लिए अच्छा होगा। सो यहाँ पे मैं अब नोज़ कॉन्टेरिंग कर रही हूँ। वही क्रायलॉन का सुप्रा पैलेट से डीप कलर का कंसीलर ले लिया है। सो मेरा नोज़ थोड़ा सा हेवी है तो उसे मैं शेप में करने के लिए यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए इस तरीक़े से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसीलर दूंगी देकर इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से आप लोग को ब्लेंड कर लेना है। सो यहाँ पे नोज़ में एक शेप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं साइड में फॉर लिफ्टेड लुक, थोड़ा सा फेस आपका लिफ्टेड लगे, सो यहाँ पे साइड में इस तरीके से और चिन के यहाँ पे जॉ लाइन के यहाँ पे इस तरीके से करना। अच्छा ये नोटिस करना, जब हम लोग ये कॉन्टोरिंग करते हैं तो उसको ऊपर की तरफ और जॉ लाइन में हम लोग करते हैं उसको नीचे की तरफ करना है हम लोग को, ठीक है। चिक के वहाँ पे ऊपर की तरफ और जॉ लाइन के वहाँ पे नीचे की तरफ। सो यहाँ पे मैंने एक क्रीम ब्लश ले लिया है। सो क्रीम ब्लश को इस तरीके से लगाना है। इसे भी हम लोग को ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। सो फेस हमारा लिफ्टेड लगेगा। देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से डैप डैप करना है और नोज़ में थोड़ा सा है उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है और चिन में ब्लेंड कर लेना है। सो ये आप फेस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग भी इस तरीके से करना। सो ये क्रायलॉन का सेटिंग पाउडर है। अब ये सेटिंग पाउडर किस लिए काम आता है, इससे हमारा फेस का जितना भी मेकअप हम लोग किया है वो लॉक हो जाएगा और मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। सो इसीलिए सेटिंग पाउडर आप लोग भी यूज़ करिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा सेटिंग पाउडर है। मैं प्रोफेशनल से एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो मैं भी अपने क्लाइंट्स वगैरह को यही सेटिंग पाउडर यूज़ करती हूँ। सो इस तरीके से आप लोग को अपना पाउडर लगाना है। आप लोग ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैं नॉर्मली ये शेप वाला ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं इससे लगाती हूँ। सो यहाँ नोज़ की तरफ भी मैंने इस तरीके से फिंगर से लगा लिया। सो अब इसे लगभग
हम लोग को 1 मिनट के लिए रखना है। तब तक यहाँ पे मैं अंडर आई में वही ब्राउन कलर का आई शेडो लिया था जो क्रीज के नीचे में लगाया था, उससे मैं ब्लेंड कर लूँगी हल्के हल्के हाथों से। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा डीप नहीं रखना है, हम लोग को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कर लेना है। सो देखिए अच्छे से कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं मस्कारा से अपना लोअर लैश लाइन को अच्छे से कर्ल कर लूँ। सो इस तरीके से कर्ल कर लेना है हम लोग को लोअर लैश लाइन को। सो यहाँ पे मैं वाइट काजल इस्तेमाल कर रही हूँ। सो मैं डिस्क्रिप्शन में सब प्रोडक्ट का नाम लिख दूँगी, सो आप लोग चेकआउट कर लेना। सो मेरा पहला मेकअप वीडियो जो मैंने किया था ईद का मेकअप लुक, वो सबटल लुक किया था। काफ़ी आप लोग ने सब ने पसंद किया और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, सो इसलिए मैंने ये पार्ट टू बनाया। बस इसमें आपका क्या है, फेस ग्लोई ड्यू और ग्लॉसी लगेगा, सो वो लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा जितना सेटिंग पाउडर, उसको इस तरीके से ब्रश आउट कर लेंगे। सो ये हमारा अब फेस जो फेस का जो मेकअप है वो लॉक हो गया है और सेट हो गया, और आपका फेस बहुत ज़्यादा मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आप गर्मी में देखिए, हम लोग को चाहिए कि हमारा फेस का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप लोग भी इस तरीके से स्टेप करिएगा तो आपका भी मेकअप हटेगा नहीं और ब्लेंड होगा। सो यहाँ पर मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से, जहाँ जहाँ मेरा फेस को थोड़ा लिफ्टेड लगे। ब्रॉन्जिंग भी जैसे मैंने बताया था, ऊपर की तरफ चीक में और जॉ लाइन में नीचे की तरफ, और नोज़ में भी थोड़ा सा कर लिया है, फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी। सो अच्छा मेरा ये आएगा, नोज़ में शेप आएगा, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट है, ये पाउडर ब्लश है, सो मैं इसी तरीके से इसको लगा लूँगी। जैसे आप लोगों को पता है, आई लव ब्लश, मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लास्ट यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे है, ये निक्स का ड्यूई सेटिंग स्प्रे, काफ़ी अच्छा है, फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ ये, इसके अलावा मैं कुछ और सेटिंग स्प्रे नहीं देखती। सो अब यहाँ पे मैं लिप लाइन कर रही हूँ, ब्राउन कलर का लिप लाइनर है, ठीक है, ये नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएगा। सो ये लिप लाइनर से लिप लाइन कर रही हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे ग्लॉसी लुक चाहिए, सो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप ग्लॉस यूज़ करूँगी, ये लव अर्थ का लिप ग्लॉस है। सो इसे अप्लाई करूँगी, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा लिप ग्लॉस है। और इसका एक चीज़ है, ये आपका मतलब लिप्स में हेवी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा देर तक ये स्टे भी करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये देखिए लुक। लास्ट यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट है, इससे अपना फेस को हाइलाइट कर लूँगी, जहाँ जहाँ मेरा हाइलाइट पॉइंट्स है वहाँ पे। इसी तरीके से आप लोग भी हाइलाइटर ब्रश से अपना फेस में हाइलाइटर लगाइएगा, ब्लेंड करिएगा, सो आपका फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो लुक आएगा और प्यारा लुक आएगा। सो नोज़ में इस तरीके से करना है, सो जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ आप लोग भी ऐसे ही करना, देखिए इस तरीके से ब्लेंड करना, काफ़ी प्यारा और अच्छा हाइलाइटर है, देखिए बहुत ज़्यादा फेस हमारा ग्लो कर रहा है। ये आईब्रो के ऊपर थोड़ा लगा लिया, थोड़ा सा अपना आई का इनर कॉर्नर में लगा लूँगी, सो मेरा आई मेकअप भी उभर के आएगा और फेस भी उभर के आएगा मेकअप भी। सो देखिए ये मेरा लुक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो देखिए इतना प्यारा लुक है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फॉर मोर वीडियोज़। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।